पास तुम हो। This is my friend, Mavish, आमिर के बॉस। Hi. तुम आज से देखो सारे ख्वाब। जो चीजें नहीं मिली उनकी आरजू कर लो। मैं हूं ना, सारे जतन करूंगा। कौन है ये आदमी? आमिर भाई का बॉस है। उस दिन शॉपिंग के बाद रेस्टोरेंट गए थे कुछ खाने पीने के, तब मुलाकात हुई। Can I dance with her? She's with her husband. He's really conservative. मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। Can I dance with you? I know your husband doesn't like it, but I want to. I'm sorry, but I can't. Trust me, नीयत बुरी नहीं है मेरी। वो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। क्या? आप सुनिए, आप प्लीज इस बात पर नाराज मत होइएगा। ऐसा मत कहिए, जिसका दिल टूटेगा वो नाराज तो होगा। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि आपके हस्बैंड कहाँ गए? और क्या, बस ऐसे ही कहने लगा कि आप और आपके हस्बैंड डांस क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा कि तुम्हें डांस नहीं आता। मुझे डांस करना नहीं आता? अरे बाबा। Don't worry, your husband is busy now. शादी कब हुई? 7 साल हो गए। और क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो सरकारी ऑफिस में मुलाजिम है। लव मैरिज हुई? जी। तो बहुत खुश क्यों नहीं है? इट हैपेंस। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि वो मिल गई है, सब कुछ मिल गया। फिर एक ही साल में मुझे पता चला कि मैंने तो सब कुछ गवा दिया। But I'm okay, perfectly fine. कोई पूछे तो मैं भी यही कहता हूं, भरम भी तो रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मैं नहीं मानता। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं।
एक्सक्यूज मी, चलो दानिश घर चले, बैग उठाओ, चलो रूमी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? घर पहुंचने तक कुछ ना पूछना प्लीज। दानिश भाई, मेविश कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल शादी पे आएंगे ना, चले। ओ हाँ, वो पैसे निकालो। ये ले आपके 80,000, मैं लेट हो गया तो इसने आपसे उधार लेकर नेकलेस खरीद लिया, बट थैंक यू सो मच। चलो कल शादी पे मिलते हैं, बाय। चलो सोने जाओ। मुझे भूख लग रही है मामा। ते पापा को तो मैं ऑमलेट बना देंगे। रुको महेश, जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पे गुस्सा दिखा रही हो मुझे। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महेश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे, अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे। अनुषा मेरी बहनों की तरह, तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? स्टॉप इट महेश, खामोश। मैं जानता हूं मुरव्वत दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया होगा, मगर थी तो गलती ना। क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो मैं तड़प के मर नहीं जाऊंगा। कि ये हाथ, ये बाहें, ये कमर, ये सब मेरा है। मैं जानता हूं पजेसिव हूं, बहुत पजेसिव हूं, मगर ये प्यार पजेशन के बगैर प्यार होता है क्या? जो भी है, तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था। मुझे उस वक्त यही ठीक लग रहा था महेश, मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें लेकर भेड़ियों के नरगे में आ गया। आई एम सॉरी महेश, मैंने अनुषा के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं वहां एंजॉय करने गया था और डर कर वापस आ गया हूं। डर तो मैं गई हूं दानिश, और दुख इस बात का है कि मैं तुमसे डर गई हूं। दिस इज सो अनफेयर, तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय कह रही हो कि तुम मुझसे डर गई हो। दानिश प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे समझने दो कि ये सब कुछ हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा। मैंने भी तो एक डरावना ख्वाब देखा, मैं भी तो डर गया हूं महेश। पहली बार मुझे लगा कि तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, मुरव्वत में एक औरत की हुर्मत को भूल जाती हो। एक बार बैठ के सोचो तो सही, प्यार में ऐसा कौन सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें तो बस यही सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचूं। बाजार जा रहा हूं,
कुछ खाने के लिए लाऊं, और वो जो तुम पे गुस्सा किया उसके लिए सॉरी। लव मैरिज हुई तो बहुत खुश क्यों नहीं आप? इट हैपेंस। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि वो मिल गई है, सब कुछ मिल गया। फिर एक ही साल में मुझे पता चला कि मैंने तो सब कुछ गवा दिया। लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते, मैं नहीं मानता। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं। I'm sorry, आप? आप ही को तो याद कर रहा था। I mean, yes, अभी थोड़ी देर पहले तो मुलाकात हुई आपसे। तो आप वहां से चले क्यों आए? मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो तो लग रहा है, आइए आपको मैं पूछूं। नहीं नहीं, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए तकल्लुफ ना करें, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं क्यों नहीं ठीक लग रहा आपको? क्या हुआ मुझे? आई एम ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। आप जाइए, अपना रास्ता लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? चाहिए? ओके, मैं जाता हूं। अब ये मिल्क भी पूरा फिनिश करना है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे सुला दो प्लीज, मुझे नहीं सॉरी। ये पूरा फिनिश करना। अच्छा क्या हुआ है तुम्हें? दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिसे चाहते हैं हायर कर लेते हैं, जिस चीज को चाहते हैं खरीद लेते हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जिसके पास जो कुछ है वो उसको मुबारक हो। तो मुझे पता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज, सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल। पूछो मेरे पास क्या है? क्या है? मेरे पास तुम हो महेश, मेरे पास तुम। Thank you.
रात को क्या हुआ था तुम्हें? रात को क्या हुआ था? अच्छा, वो डांस वाली बात छोड़ो, भूल जाओ। तुम भी भूल जाओगे ना? हाँ तो भूल भी क्या, तुम्हें लगा मुझे याद है? याद है, मेहंदी से लौट कर आए तो कहाँ गए थे? हम तीनों? हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम। कहीं भी नहीं, मैं तो आते ही सो गया था महवेश। याद नहीं कितनी जोरों की नींद आ रही थी मुझे। चेक कर रही हो, ऐसे जोक हम बचपन में किया करते थे। ये जोक नहीं है दानिश, रात को तुम बाजार गए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि मेहंदी से हम बिना कुछ खाए पिए वापस आ गए थे। तो मैं सचमुच बाजार गया था? मुझे तो लगा कि हमने रात को कुछ खाया ही नहीं। बताओ जरा क्या लेकर आया था मैं? नथिंग, तुम खाली हाथ वापस आ गए थे, बल्कि इस तरह भागते हाँपते आए जैसे किसी को देखकर डर गए हो। ओह, तो वो ख्वाब नहीं था? ख्वाब? नहीं नहीं मुझे याद आ गया, मैं खाना लेने तो गया था, फिर क्या हुआ? हाँ, मैं पहुंचने ही वाला था कि गाड़ी से टक्कर हो गई मेरी। नहीं नहीं टक्कर नहीं हुई, मुझे लगा कि टक्कर हो गई और मैं गिर गया हूं, तभी तो मैं डर गया था। और पता है क्या, फिर मैं वहां से ऐसे भागा जैसे वो मुझे खाई जाएगा। कौन? वो गाड़ी वाला उतर के आया मुझसे झगड़ा करने के लिए, तो मैंने उसको मुंह नहीं लगाया, मतलब वो ख्वाब नहीं था। रूमी तो भूखा ही सो गया होगा। नहीं, उसे मैंने दूध पिला दिया था। गुड, मतलब मैं सचमुच गया था बाजार, मतलब वो ख्वाब नहीं था। क्या पकाओगे आज? जो भी तुम कहोगे। बिरयानी, कोरमा वगैरह? नहीं, चलो जो तुम्हें मुनासिब लगे बना लेना। रूमी कब उठेगा, इसे तो जगाएं, नाश्ता तो कर ले कम से कम। रूमी, खूबसूरत लड़की या तो लव मैरिज के चक्कर में गलती करती है या फिर किसी मजबूरी में। क्या मतलब? थोड़ा मिसमैच लगता है मुझे। मेरा मतलब है, कहाँ आप और कहाँ दानिश भाई। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। ये क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देख रहा हूँ। अब तस्वीरों में देखोगे मुझे? तस्वीरों में तुम गुस्सा नहीं करती, ना चिढ़ती हो, ना बिगड़ के बात करती हो, बस मुस्कुराती रहती हो। सच बताओ, तुम इतने इनसिक्योर क्यों? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें क्यों लगता है कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो मुझे अपने साथ ले जाएगा? नहीं नहीं, तौबा तौबा, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो फिर इतने झुंझलाए हुए क्यों हो? रात को अगर तुम्हें लगता है कोई गलती हुई है तो चलो मैं सॉरी बोल देती हूँ, तुम भी भूल जाओ उस बात को। इट्स ओके। ऑफिस जाओगे? हाँ। जल्दी आ जाना। क्यों, जल्दी क्यों? 8 बजे जाना है, और पता है तैयारी में कितनी देर लगती है? कहाँ जाना है? शादी पर और कहाँ। ओ हाँ, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुम भी कमाल करते हो। अच्छा ये बताओ, रात को मैं काली वाली साड़ी पहन जाऊँ? नहीं, आधे ब्लाउज वाली साड़ी मत पहनना, doesn't look nice। रुको दानिश, वो साड़ी तुम ही खरीद कर लाए थे मेरे लिए। तो ब्लाउज तो तुम ही ने बनवाया था ना, 8 इंच कमर नजर आती है तुम्हारी। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ ना महवेश, अच्छा नहीं लगता कि मर्द पूरे कपड़े पहन के जाएं और लड़कियां आधी कमर नंगी करके।
लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो शर्म आएगी मुझे। और फिर वो भी आया हुआ होगा वहां, वो समझेगा तुम उसके लिए पहन के आई हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो दानिश, तुम जानते हो कि प्लीज मेरी बात का गुस्सा मत करो। कमर नंगी करके यहाँ पर स्लीवलेस पहन के फिरने वाली लड़कियां भूखे मर्दों के सामने निवाले की तरह होती। मैं इनसिक्योर नहीं हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि एक अरबपति के सामने मेरी बीवी निवाले की तरह पेश हो। तुम पागल हो गए या मैं? पेश हो दानिश भाई, सच बताओ दानिश भाई, तो ऐसी खटारा भाई अपनी प्यारी भाभी के साथ सूट नहीं करती। भाभी की बात क्यों कर रहे हैं आप, वो कोई बाइक चलाती है? आप मेरी बात नहीं समझे, मतलब बैठती तो होंगी ना वो इस पर, इस तरह की बाइक उनके लायक नहीं है। उसके लायक तो आपकी गाड़ी भी नहीं है। मेरे पास पैसे भी आ गए ना, मैं आपकी गाड़ी तो नहीं खरीदी, आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए। Vacation, and I know just how to fix it. Surprise! Mavis, where are we going? हाँ, रात से पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। खाना लेने गया तो बगैर खाना लिए ही वापस आ गया। आया तो हाँ रहा था, और सुबह तो ये भी याद नहीं था कि रात में खाना लेने गया था। क्या हुआ उसे? बस तुम्हारे वो शहवार साहब खंजर की तरह उसके दिल में उतर गए। तुम हंस रही हो? यहाँ वो मेरी जान को आया हुआ है, और पता है मुझे वो काली साड़ी पहनने से ही मना कर दिया उसने। क्यों? कहता है हाफ ब्लाउज के साथ साड़ी पहनोगी तो लोगों को तुम्हारी नंगी कमर नजर आएगी। अरे अब मैं क्या करूं, इतनी जल्दी में तो पूरा ब्लाउज भी नहीं बन सकता। याद है जब मैं उसे पहली बार मिली थी, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त कह दिया था हमारा हस्बैंड तो बड़ा ही कंजर्वेटिव है। लेकिन वो नहीं मानता कि वो कंजर्वेटिव है, या शायद प्यार करता है बहुत, फिर ज्यादा पोजेसिव है। ये मर्दों का तरीका है, वो लड़कियों को गुलामी में लेने के लिए पोजेसिव बन जाते हैं। अच्छा व्हाटएवर। पता तुम लोगों के पास शहवार साहब कितने अपसेट थे? क्यों? वो तो कोस रहे थे अपने आप को, कह रहे थे कि ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज़ ऑफ मी। मुझे कहने लगे कि मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना चाहता था, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन उनके हस्बैंड को शायद बुरा लग गया। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? ऐसे ही झूठ मूठ की तसल्ली दे दी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। शादी पर आएंगे वो? और आएंगे यार। तो फिर एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे? हाँ। उनसे कहना मुझसे जरा दूर ही रहें। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, पता है क्या समझेंगे वो? तुम्हें नहीं पता वो क्या समझेगा, बल्कि हो सकता है कि इस पागलपन में आके उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे। अरे अच्छा मैं फोन रखती हूँ, टेलर से पूछूं शाम से पहले अगर दूसरा ब्लाउज सी दे। बाय। ओके बाय। मैं कम इन सर। आइए आइए प्लीज, बैठ जाऊं सर? बैठिए। अरे जनाब ये छोटी छोटी बातें मत पूछा करें। थैंक यू सर। कहिए। सर एक पर्सनल बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बताइए मुझे, क्या बात है? मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, जरा बड़ी वाली, मतलब एक पुरानी ख्वाहिश थी इसलिए कह रहा हूँ। और फिर जब शादी हुई तो अपनी बीवी से वादा किया कि एक दिन बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। पॉसिबल नहीं है सर? अरे जनाब जिस काम में आप आ गए हैं उसमें क्या पॉसिबल नहीं है, बस अपने मिसेज को कहिए कि 2 महीने इंतजार कर लें। 2 महीने? चलिए 1 महीना, लेकिन 1 महीने में आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी, और वैसे भी प्रमोशन से पहले बड़ी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए आपको। क्यों सर? ऐसे कोई कंप्लेंट कर देता है और फिर इंक्वायरी शुरू हो जाती है,
अपनी बगल में तो कई दुश्मन छुपे होते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर। अभी जरा छोटी गाड़ी खरीद लेंगे तो आपकी मिसेज आप पर ट्रस्ट करने लगेंगी, उनको यकीन आ जाएगा कि उनके हस्बैंड में दम है, एक दिन बड़ी गाड़ी भी खरीद लेगा। वो तो है सर, लेकिन कभी डरिएगा मत। डरूंगा क्यों सर? अरे भाई, इस काम में छापे भी तो पड़ते रहते हैं, कभी बच जाते हैं और कभी धर लिए जाते हैं। कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है, पर जरा थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे? इस काम में जो भी कमाओ उसका 20% साइड पे रख दो, यूं समझो कि जैसे वो कमाई ही नहीं। वो किस लिए सर? बाइज्जत बरी होने के लिए। अभी मैं ऑफिस आने से पहले कोर्ट की पेशी भुगत कर आ रहा हूँ। अरे हाँ सर, क्या बना आपके केस का? बाइज्जत बरी हो गया हूँ। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो ये टीवी। हेलो, वो काली साड़ी नहीं पहन रही मैं। अच्छा, खुश नहीं हुए? खुश तो हो रहा हूँ। मरियम की शादी वाला सूट पहन लूँ? पुराना? ज्यादा पुराना नहीं है, और इम्पोर्टेंट बात यह कि अनुषा ने अभी तक देखा ही नहीं, उसे कह दूंगी नया है। नो नो मतलब? अरे पुराना सूट क्यों पहनोगे तुम, बाजार जाओ और नया ले लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, कल अकाउंट खुलवा लिया था तो कुछ पैसे वहां जमा करवा दिए, वो निकल नहीं सकते। अरे पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा ब्लू कोट है ना, उसकी अंदर वाली जेब में अलमारी की चाबी पड़ी है, उसमें कोई 3,500 पड़े होंगे, तुम सारे ले लो, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। तुम भी मुझे माफ कर देना पागल। अभी पैसों के अलावा जो मिला उसकी बात करो। क्या मिला? मेरा नेकलेस। तुमने मेरी अलमारी से निकाल कर अपनी अलमारी में क्यों रखा? चाबी कहाँ से मिली तुम्हें? ये वो नेकलेस नहीं है जो तुम लाई थी। तो? ये वो नेकलेस है जो मैं लाया था। ये कब लाए थे तुम और मुझे बताया क्यों नहीं? बताता कैसे, मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, घर भी जल्दी आ गया था और तुम सारा दिन घर से बाहर थी, जब वापस आई तो अपना सरप्राइज मेरे मुंह पे दे मारा। Oh God, I'm so sorry, Danish. It's okay. अब बताओ पैसे मिल गए ना? हाँ मिल गए। अब चली जाओ बाजार, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। Okay, bye. Okay, bye. अच्छा सुनो, I love you. अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कहीं जा रही हैं आप? हाँ बाजार जा रही थी। पार्किंग में कोई रिक्शा तो नहीं देखा मैंने? बस बाहर निकल कर लूंगी रिक्शा। वेरी बैड, देवर के पास गाड़ी और भाभी रिक्शे पे जाएंगी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो बैठिए मेरी गाड़ी में और हुक्म देकर कहिए कि चलो मोंटी बाजार छोड़ाओ मुझे। अरे नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा,
देवर की बात माननी पड़ेगी आप। अच्छा चलिए देवर जी, ये हुई ना बात, आजा रूमी चलिए। आपकी कोई छोटी बहन नहीं है? हाँ है। आपकी तरह होगी बिल्कुल। अरे नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये तो नहीं मानूंगा, आप जैसी हो सकती है, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। लेकिन बहन का क्यों पूछ रहे हैं आप? वो अम्मी सोच रही हैं कि मैं शादी कर लूं। मैंने तो साफ कह दिया, आप जैसी मिलेगी तो करूंगा। अरे मुझे पता है, दानिश भाई से लव मैरिज हुई थी ना आपकी, ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं, मैंने गैस कर लिया था। कैसे? बताऊंगा तो बुरा लगेगा आपको। अरे नहीं बुरा नहीं लगेगा, आप बताइए तो सही। वो क्या है कि मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, खूबसूरत लड़की या तो लव मैरिज के चक्कर में गलती करती है या फिर किसी मजबूरी में। क्या मतलब? थोड़ा मिसमैच लगता है मुझे, मेरा मतलब है कहाँ आप और कहाँ दानिश भाई। बुरा लगा क्या? जी आई एम सॉरी। नहीं इट्स ओके। ये तो आपने बताया नहीं कि आप जाएंगी कहाँ। अरे हाँ मुझे लगा जैसे मैंने बता दिया हो आपको, फौरन जाऊंगी मैं। वैसे खामोखा आपने तकलीफ की। अरे तकलीफ कैसी, वैसे सच बताऊं तो मुझे तकलीफ तब होती है जब आप रक्षे पे बैठ के जाती हो। वो क्या है कि रक्षा आपकी टाइप की सवारी नहीं है, आपको तो मर्सिडीज में बैठना चाहिए। मैं भी ये गाड़ी बेच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मर्सिडीज ले लूँ। काम क्या करते हैं आजकल? काम के बारे में कौन पूछता है, पूछते हैं कि कमाते क्या हो। चलिए ये पूछ लेती हूँ, कमाते कितना है आप? यही कोई 8-9 लाख। महीने के 8-9 लाख? जी। वाओ। मैंने तो कहा था दानिश भाई से, बेच रहा हूँ तो खरीद लें ये गाड़ी, एक हाथ की चली हुई है। फिर बोले पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने तो कहा था कि अभी नहीं है तो थोड़े थोड़े करके दे दे। फिर बोले नहीं मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बुरा मत मानिएगा, मैं दोस्त हूँ इसलिए मुझसे घर की बात भी कर लेते। घर की बात में और कौन कौन सी बातें करते हैं? यूं ही जनरल, रूमी के बारे में, आपके बारे में, या फिर आप लोगों की कभी लड़ाई हो जाए तो। वैसे लड़ाई वाली बात वो अक्सर छुपा ही लेते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर वादा कीजिए आप ये बात दानिश भाई को नहीं बताएंगी। जी नहीं बताऊंगी। उनका फोन है तो ये भी मत बताइएगा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। हेलो रक्षा मिल गया? नहीं गाड़ी में जा रही हूँ। अनुषा आ गई है क्या? अनुषा नहीं मोंटी, वो जिद कर रहे थे बहुत कि मैं आपका देवर हूँ, मैं ही आपको छोड़कर आऊंगा। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा दोस्त है? छठा वह 2 नंबर आदमी है कबीना, और तुम बगैर तस्दीक के उसकी गाड़ी में बैठ गई। उतरो गाड़ी से, उतरो। अभी तो फोरम ड्रॉप ले रही हूँ, घर आओगे तो बात करेंगे इस बारे में। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो महवेश, इस साले से बोलो गाड़ी रोके। हेलो साहब से कहना इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ। कैसे दानिश भाई? तू कैसा साले?
तू कैसा है दानिश भाई? दानिश भाई क्या कैसा? तेरी दानिश की बीवी कब से साथ है जाने की? मैंने उठा के बिठाया था क्या? खुदाई थी वो। दानिश भाई रुक जाए, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। बीवी तुम्हारी खूबसूरत संभलती नहीं तुमसे, और मैंने भी इसे जबरदस्ती नहीं बैठाया था। तो पूछा क्यों बैठी मेरे साथ, और मैंने भी कोई बुरी नियत से नहीं बैठाया था, भाभी बोलता हूँ उसको। अरे रुक जा दानिश भाई, वो बेचारा ठीक ही तो कह रहा है, हो सकता है आपके मिसेज ने कहा होगा बैठने के लिए तब बैठा होगा वो, वरना कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी बिठा देता है। वैसे परेशान होने की कोई बात नहीं, वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठ कर गई है। हमसायों में ऐसा होता है दानिश साहब, लिफ्ट मांग लेते हैं या लिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि बड़ी बात तो नहीं है। तुम हो